सो गाइस जैसे ही आप हमारे रूम में एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखेगा। यहाँ पे हमने अपने पूरे रूम में चारों साइड से ब्लू लाइट लगा रखी है। हर चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ इस रूम में मैंने कितनी सारी लाइट्स लगा रखी है। तो यहीं पे आपको मेन स्विच मिल जाएगा, जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो ऊपर आपको कई सारी लाइट्स लगी हुई है। मैंने तीन बड़े बड़े ट्यूबलाइट लगा रखे हैं जो कि काफी ब्राइट देते हैं। जैसे इस रूम में हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चेयर दिख जाती है। ये जो चेयर है हमने स्पेशली, ऐसा नहीं है कि वीडियोस वगैरह के लिए मंगवाई हो, ये चेयर जो है हमारी शॉप से, मतलब शॉप पे एक एक्स्ट्रा थी तो मैं इसको अपने रूम में ले आया। और इस चेयर को मैं कभी यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको अभी कभी भी वीडियो शूट कर लेता हूँ। ये मैंने एक ब्लैक कलर का पर्दा लगा रखा है, इससे क्या होता है कि कभी कभी बैकग्राउंड हमें चेंज करना होता है तो कभी इस वाली दीवार पे हम वीडियो शूट कर लेते हैं, कभी इधर वाली पे शूट कर लेते हैं। इधर वाली जो दीवार है ये मेरी फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे मेरी जो भी इंस्पिरेशन है वो यहाँ पे लगे हुए हैं और इनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। मेरी लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल है और मैं ही नहीं, इनसे बहुत सारे हमारे देश के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे मैंने थॉट्स लगा रखे मोटिवेशनल और जिनको देख करके काफी मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, तो जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हमने तीन तकिया लगा रखी है, एक यूट्यूब की है और एक फेसबुक की है और एक यहाँ पे इंस्टाग्राम की है। तो ये काफी अच्छे लगते हैं बैकग्राउंड में जब हम वीडियो शूट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसके बाद आप इधर आते हैं तो इधर मैंने आपको बता दिया ब्लैक कलर का ये पर्दा लगा रखा है, ऐसे करके हम इस पे वीडियो शूट कर लेते हैं, काफी अच्छा बैकग्राउंड लगता है। यहाँ पे एक हमने सोफा लगा रखा है, ये जो सोफा है ये इसलिए लगा रखा है कि इस चेयर पे बैठे बैठे ना परेशान हो जाते हैं और ये थोड़ा सोफा जो है वो आरामदायक है। तो यहाँ पे मैं कभी कभी बुक्स वगैरह पढ़ लेता हूँ मॉर्निंग में या फिर नाइट में, जो भी मुझे अच्छा लगता है उस टाइम पे। और यहाँ पे आपको एक व्हाइट बोर्ड भी है हमारे पास, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये हमने इसलिए लगा रखा है जिसपे हम कभी कभी स्क्रिप्ट वगैरह भी कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पे हमारा एक गेट था वो हमने अभी बंद कर दिया तो पर्दा लगा रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे तो एक हेयर ड्रायर है जो कि मैं डेली यूज करता हूँ, कुछ कुछ यहाँ पे मेरा टूथ जेल है, ऑयल है और एक फेस वॉश है। तो जैसे ही ये सारी चीजें देखने के बाद ये हमारी मेन चेयर है, यहाँ पे जैसे ही हम सेम ज्यादातर मैं वर्क करता हूँ तो यहीं पे बैठ करके ऐसे करके इस टाइप से मैं वर्क करते रहता हूँ। हमारा यहाँ पे एक लैपटॉप भी रखा है और सेम यही लैपटॉप एक मेरा शॉप पे भी रखा हुआ है। कुछ कुछ चीजें हैं, ये मेरे पास एक बोया का माइक है M01 और इसके साथ साथ एक और मेरे पास माइक है वो है, वो भी बोया का ही है, वो ये वाला है। इसका मॉडल तो मुझे अभी कन्फर्म नहीं है बट काफी टाइम पहले मैंने मंगवाया था और ये मैं वॉइस ओवर करने के लिए कभी कभी यूज करता हूँ। और ये जो स्टैंड है ये भी काफी हाइट है इसका, लगभग इसका जो हाइट होगा वो लगभग 7-8 फीट होगा। सेम इस मेरे पास दो है स्टैंड और एक मेरे पास ये लाइट है जो कि मैंने खुद घर का ही जुगाड़ किया था, मार्केट में 100 रुपए का ये लाइट मिल जाता है। और एक स्टैंड जो था मेरे पास मेरी शॉप का ही था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ ज्यादा मैंने परचेजमेंट वगैरह नहीं किया, ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ये जो टेबल है ये काफी पुराना टेबल है, लगभग 10 से 12 साल हो चुके होंगे और ये हमने कंप्यूटर के लिए लिया था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने सेटअप के लिए स्पेशली लिया हो। इससे थोड़ा सा जस्ट हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक ड्रीम बोर्ड बना रखा है जो कि काफी बड़ा है। ये ड्रीम बोर्ड हर एक पर्सन को जरूरी है बनाना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, क्योंकि जब तक कुछ पता नहीं होगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अपने आप से तो कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हो पाता। ये हमारा एक गूगल एडसेंस अकाउंट है जो हमारे फर्स्ट वाले चैनल का आया था, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक और चैनल है जिसको बोलते हैं MM ग्रुप एंटरप्रेन्योर, वहां पे बहुत सारी अर्निंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पार्ट टाइम अर्निंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सॉल्यूशन है। ये जो MM ग्रुप ब्लॉग्स पे आप देख रहे हो ये हमारा न्यू चैनल। के बाद आपको मैं दिखाता हूँ हमारी लास्ट वाली वॉल, ये वाली है जो दीवार है, ये मेन जो दीवार है ये वाली है, यही मैंने सबसे पहले सेटअप किया था। ये मैंने एक ऑनलाइन परचेज करके मंगवाया था, वुडन का होता है ये। ये मैंने एक आईपैड जो ओल्ड लिया था जो मैं बहुत कम यूज करता हूँ, टूट गया है इसका डिस्प्ले मगर चालू है। और यहाँ पे एक बल्ब है और ये एक हेडफोन है जो मैंने अपनी शॉप से लिया था। एक माइक है जो मैं कभी यूज नहीं किया आज तक, आहूजा का है, काफी बेस्ट है। ये एक वॉच है जो कि हमें पेटीएम से मिला था गिफ्ट में। यहाँ पे एक साइकिल रखी है, यहाँ पे एक मिनट के टाइमर के लिए कभी कभी मैं यूज कर लेता हूँ फिक्सेस में, एक टाइम के एक मिनट के लिए काउंट होता है। और यहाँ पे एक कैमरा रखा है जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे निकॉन का गिफ्ट किया था, जो मैंने बहुत कम यूज किया है, कभी किया नहीं है। उसके पास भी फालतू रखा था तो उसने मुझे गिफ्ट कर दिया, काफी टाइम हो गया।
यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मैं कई सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ और कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो अभी तक मैंने खोल के भी नहीं देखी। तो गाइस लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में और आपकी ग्रोथ में। जितनी ज्यादा लर्निंग करोगे उतनी ज्यादा ग्रोथ कर पाओगे, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था जितना ज्यादा ज्ञान होगा जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ही ज्यादा अर्निंग कर पाओगे, उतना ही ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छे अचीवमेंट कर पाओगे, बड़े बड़े अचीवमेंट कर पाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो लर्निंग जैसे ही रुकती है तो आपकी ग्रोथ रुकती है, तो लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये स्टैंड दिखा दिया, एक ये मेरे पास पॉपअप फिल्टर है जो कि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी वीडियोस करता हूँ उनके लिए है, एक स्टैंड है जो कि मोबाइल स्टैंड है। सो गाइस जैसे कि अभी आपको मैंने सारी चीजें दिखा दी हैं, ऐसा कुछ मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने मतलब कर दिया है जिन्होंने फालतू का इन्वेस्टमेंट। आपको सिर्फ एक माइक चाहिए और एक फोन चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाओ तो ये सारी चीजों को परचेस कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे आपको हमारा वेट दिख जाएगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अपना पूरा सेटअप दिखा दिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको काफी अच्छी लगी होंगी, और मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो भी आप अपना सेटअप बनाने की सोच रहे हो या फिर बनाने का कभी आपने डिसीजन बनाया है तो अपने सेटअप में ना हमेशा मेरी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी लगाना अपने चारों साइड से, जिससे कि आप जब भी डीमोटिवेट हो आपको खुद मोटिवेशन मिल सके, आप कभी भी डीमोटिवेशन फील ना करो और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, क्योंकि हम जो चीजों को देखते हैं वैसा ही हमारा माइंड काम करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।